Dear students, in this video session, we discuss about design of column subjected to combined axial load and biaxial bending moment. ठीक है, जैसे हमने इससे पिछले वीडियो में कॉलम को डिज़ाइन करना सीखा एसेंट्रिकली लोडेड, ठीक है, जिसमें मोमेंट कौन सा था, यूनी एक्सियल बेंडिंग मोमेंट था. ठीक है, इसी तरीके से इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि बायएक्सियल बेंडिंग मोमेंट के केस में हम किस तरह कॉलम को डिज़ाइन करेंगे. इसके लिए हम दो कोड प्रेफर करेंगे, एक IS 456-2000 और हमारा SP16-1980. ठीक है, तो यहाँ जो क्लॉज फॉलो होगा वो क्लॉज नंबर 39.6 IS 456 के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे. तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल में क्या डिफरेंस हो जाता है. ठीक है, तो पहली चीज़ तो जैसे यूनी एक्सियल के केस में कि यहाँ पर मिनिमम एसेंट्रिसिटी जो होगी वो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगी. इट मीन्स कि ई मिनिमम इज़ ग्रेटर देन 0.05 D. ठीक है, और यहाँ पर भी हम कॉलम को कंप्रेशन के साथ साथ किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, एडिशनल बेंडिंग के लिए भी डिज़ाइन करेंगे. अच्छा, जो अजम्पशन फॉलो होंगे वो क्लॉज नंबर 38.1 के यहाँ पर भी सेम अजम्पशन फॉलो होंगे. और जो मोमेंट हम को मिलेगा यहाँ पर, मोमेंट जैसे यूनी एक्सियल के केस में हमें सिंगल मोमेंट मिलता था, बाई एक्सियल के केस में हमें मोमेंट की वैल्यू डबल मिलेगी, यानी मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस. सिमिलरली यहाँ पर जो क्लॉज फॉलो होगा वो जस्ट नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर 39.6 एप्लीकेबल होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे. तो यहाँ आप सेकेंड वाला केस देख रहे हैं बाई एक्सियल के केस में. ठीक है, सो बाई एक्सियल में क्या होगा कि जो सेक्शनल एक्सिस होंगे, यानी जो कॉलम का सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन होगा, उसके अबाउट जो एक्सिस होंगी, इट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ना आपका लोड जो होगा ना ही वो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा ना ही वाई के अबाउट होगा, वो दोनों से कुछ डिस्टेंस पर होगा. इसलिए यहाँ पर आपको इसेंट्रिसिटी दोनों डायरेक्शन में मिलेगी, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कॉलम का सेक्शन है. इस कॉलम के सेक्शन पे इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये लोड एक्ट कर रहा है. ठीक है, और इस एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी डिस्टेंस क्या हो गई है, ए एक्स, और वाई के अलोंग ई वाई. ठीक है, तो इस जब हमारी इसेंट्रिसिटी, हमें दो अलग अलग इसेंट्रिसिटी मिलेगी. ठीक है, तो हमें मोमेंट की वैल्यू भी दो मिलेगी. तो इस तरीके से हमारे पास दो मोमेंट हो जाते हैं, एम यू एक्स विच इज़ पी यू मल्टीप्लाई बाई एक्स, ई एक्स यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सिमिलरली अबाउट वाई एक्सिस एम यू वाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब हम देखते हैं IS 456 के क्या स्पेसिफिकेशन है. तो हमारा जो क्लॉज है वो क्लॉज नंबर 39.6, कॉलम सब्जेक्टेड टू कंबाइन एक्सियल लोड एंड बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट. तो क्लॉज को हम देखते हैं, पहले द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स एंड बाई एक्सियल बेंडिंग शैल बी ऑब्टेंड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन इन 39.1 एंड 39.2 विथ न्यूट्रल एक्सिस सो chosen as to satisfy the equilibrium of load and moment about two axes. Alternatively, such member may be designed by the following equation. ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज़ समझ लेना चाहिए कि जो assumption होंगे वो कौन से follow होंगे, जो हमारे previous assumptions थे 39.1 और 39.2 में जो हमें दिए वही follow होंगे. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, लेकिन जब हम सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर जो सेक्शन हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इस कंडीशन को क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. ठीक है, ये जो हमें इक्वेशन दी, इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पर जो हमारा एम यू एक्स और एम यू वाई है, ये क्या है, हमारा मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है, ड्यू टू डिज़ाइन लोड. डिज़ाइन लोड मीन्स कि जिस लोड के लिए हम सेक्शन को डिज़ाइन कर रहे हैं. क्लियर है ये चीज़? इसी तरीके से बारी आती है एम यू एक्स वन और एम यू वाई वन. ठीक है, ये हमारे मैक्सिमम यूनी एक्सियल मोमेंट कैपेसिटी है. ये हमारी क्या है, मोमेंट की कैपेसिटी है. इट मीन्स कि वो मैक्सिमम मोमेंट जो अलाउ, सॉरी, एक्स एक्सिस के अराउंड और वाई एक्सिस के ऊपर बियर कर सकता है सेक्शन. क्लियर है ये चीज़?
along x-axis and along y-axis जो maximum moment section bear कर सकता है, यह हमारी moment capacity है. Clear है ये चीज़? ठीक है, यहाँ पर जो exponent है, ठीक है, उसकी value depend करती है किसके ऊपर? PU upon PUZ की value के ऊपर. ठीक है, अब PU upon PUZ समझ लीजिए. PU क्या है हमारा? Ultimate load. ठीक है, जो design load हमारा आ रहा है, और PUZ जो है हमें कोड ने दिया हुआ है. अगर आप 39.6 देखेंगे तो इसमें आपको PUZ की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज़ 0.45 FCKAC प्लस 0.75 FYASC. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब जो चार्ट नंबर 63 है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं किसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए? PUZ के लिए. ये जो चार्ट नंबर 63 है, ये हमारा SP16 के से है. ठीक है, तो जैसा हमने इससे पहले वाला देखा था यूनी एक्सियल के केस में, वैसे ही हम यहाँ पर भी बाई एक्सियल के केस में इस कॉलम को क्या करेंगे? डिज़ाइन करेंगे, लेकिन किससे करेंगे? SP16 के चार्ट्स को यूज़ करते हुए करेंगे. ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर आप ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन लेंथली भी होगा, प्लस आपको ट्राई एंड एरर के साथ वर्क करना पड़ेगा. नहीं? तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू जो है वो रेंज है 1 से लेकर 2 के बीच में. ठीक है, जब PU अपॉन PUZ की वैल्यू लेस देन 0.2 होती है तो हम 1 लेते हैं, और जब ग्रेटर देन 0.8 होती है तो हम 2 लेते हैं. और अगर इनमें से कोई इंटरमीडिएट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो आप लीनियर इंटरपोलेशन के थ्रू इसे कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं SP16 के डिज़ाइन एड्स. ठीक है, जो आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 3.3 पेज नंबर 104 SP16 1980. तो फर्स्ट हम देखते हैं चार्ट नंबर 63. ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप कभी भी डिज़ाइन जब स्टार्ट करेंगे तो डिज़ाइन में आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए. पहले आपको सेक्शन डिसाइड करना है, देन परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट जो भी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट परसेंटेज है उसके बेस पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, हमारा स्टील का ग्रेड, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 250 है, 415 है या 500 है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 415 है, तो परसेंटेज बेस पर 415 के लिए हमें M20 ग्रेड के लिए या M25 ग्रेड के लिए या M30 ग्रेड के लिए हमें यहाँ से काई की वैल्यू मिल जाएगी? PUZ अपॉन एज. क्लियर है ये चीज़? ग्रॉस एरिया के रिस्पेक्ट में. ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम चार्ट नंबर 63 से. जब हम कोई एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हम आगे देखेंगे इसे यूज़ कैसे करते हैं. ठीक, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. सिमिलरली चार्ट नंबर 64 है. ठीक है, चार्ट नंबर 64 जो होगा, हम ये आपका पूरा चार्ट दिया गया है. यहाँ पर जो नीचे वाला एक्सिस देख रहे हैं ये MUX और MUX1 के MUX अपॉन MUX1, और यहाँ पर Y एक्सिस पर जो देख रहे हैं MUY अपॉन MUY1 के बीच में. और यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है, वो किसकी मिलती है? परसेंटेज की वैल्यू मिलती है. क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है. ठीक है, जब हम डिज़ाइन एग्जांपल देखेंगे. तो यहाँ पर हम एक डिज़ाइन एग्जांपल लेते हैं. डिज़ाइन अ शॉर्ट कॉलम सब्जेक्टेड टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1400 किलो न्यूटन, फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन एज 65 किलो न्यूटन मीटर एंड मोमेंट इन अदर डायरेक्शन एज 45 किलो न्यूटन मीटर. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो एक्सियल लोड आ रहा है वो कितना है? 1400 किलो न्यूटन. और जो फैक्टर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, फैक्टर मोमेंट यानी आपका जो हमारा MU है, ठीक है, वो कितना दिया है? 65 और 45. यहाँ पर दो मोमेंट है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि बेंडिंग कौन सी है? बायएक्सियल बेंडिंग है. ठीक है, यानी मोमेंट अबाउट बोथ एक्सिस. तो हम देखते हैं कि पहले हमें डेटा क्या क्या मिलता है यहाँ से. तो अल्टीमेट एक्सियल लोड हमें दिया हुआ है 1400 किलो न्यूटन. इसी तरीके से फैक्टर मोमेंट की वैल्यू, इसी तरीके से हमें यहाँ पर फैक्टर मोमेंट की वैल्यू मिलती है. ठीक है, सो फैक्टर मोमेंट की वैल्यू हमें क्या मिलती है? 65 किलो न्यूटन मीटर, और वाई डायरेक्शन में 45 किलो न्यूटन मीटर. ठीक है, आप जो मेजर एक्सिस है उसे आप एक्स मानिएगा, और जो माइनर मोमेंट है उसे वाई पर मानिएगा. यूजिंग M20
इट मीन्स कि हम कॉन्क्रीट का M20 ग्रेड यूज़ करेंगे, और इसी तरीके से स्टील में Fe415 स्टील यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम कवर ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, डी डैश की वैल्यू 40 mm जो हमने एज्यूम करी है। सो हमें अगर चार्ट्स को यूज़ करना है तो हमें कुछ डिज़ाइन डेटा रिक्वायर होगा। डिज़ाइन डाटा में फर्स्ट हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि डायमेंशन जो है, आप हम जैसे कोई प्रैक्टिकल जब हम प्रॉब्लम लेते हैं तो उसमें हमें आर्किटेक्ट्स की तरफ से कॉलम के डायमेंशन गिवन रहते हैं, ठीक है, कि डायमेंशन क्या रखना है और इसके अंदर हमें डिज़ाइन करना। और नहीं भी तो एज अ स्ट्रक्चर डिज़ाइनर भी आपको डायमेंशन का आइडिया हो जाता है कि किसी कॉलम के लिए डायमेंशन क्या रहेंगे। क्लियर है ये चीज़? तो इस केस में हम जो डायमेंशन सेलेक्ट कर रहे हैं वो 400x400 एक हम स्क्वायर कॉलम ले रहे हैं, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ स्टील हम इसमें जो ले रहे हैं वो 1.2% एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या P/FCK, ठीक है। तो हमने P/FCK की वैल्यू निकाली 0.06, इसी तरीके से D'/D की वैल्यू निकाली 0.1, और PU/FCK BD की वैल्यू निकाली हमने 0.44, ठीक है। अब ये हम वैल्यूज़ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें डिज़ाइन चार्ट यूज़ करना है और उसके लिए ये तीन क्राइटेरिया हमें पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं डिज़ाइन, ठीक है। तो ये हमने कौन सा लिया है, SP16 से हमने क्या करा है, जो हमने इससे पहले, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इससे पिछले वाला जिसमें हमने यूनि एक्सियल बेंडिंग के केस में चार्ट को फॉलो करा था, ये वही चार्ट है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, P/FCK और D'/D के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल रहे हैं। वहाँ हमें क्या मिलता था, हम P/FCK की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, यहाँ हमें P/FCK ऑलरेडी पता है। हम उसके केस में क्या कर रहे हैं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, MU की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक एक्सिस पर नीचे वाला देखिए, अगर ये वाला एक्सिस अगर आप देख रहे हैं तो इस पर क्या चल रहा है, MU/FCK BD² और अगर ये वाला एक्सिस देखेंगे तो ये क्या चल रहा है, PU/FCK BD, ठीक है। और ये जो कर्व हैं इनकी हर एक की वैल्यू है, और ये कर्व को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P/FCK। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं क्या, ठीक, तो फर्स्ट हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि हमारा PU/FCK BD की वैल्यू क्या है। तो PU/FCK BD की वैल्यू क्या है, 0.44। तो यहाँ पर हम इस एक्सिस पर आते हैं और यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं 0.44। तो देखिए ये 5 इंटरमीडिएट है, तो 0.44 यहाँ मिलेगा हमें, ठीक है। अब हम इस लीन यहाँ से चलते हैं तो यहाँ हमें कर्व कौन सा सिलेक्ट करना है, कर्व हमें वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप सोचेंगे कि कर्व हम ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, लेकिन हमने ये वाला कर्व क्यों लिया हुआ है, ठीक है, उसका रीज़न हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा P/FCK की वैल्यू कितनी आएगी, 0.06। तो हम यहाँ पर किस कर्व पे लिखेंगे, रुकेंगे, जहाँ पर P/FCK की वैल्यू क्या हो, 0.06। क्लियर है? अब इसके लिए नीचे वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट के सेम में हमें नीचे क्या वैल्यू मिल रही है, तो नीचे हमें M की वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें हमारा इंटरमीडिएट कितने है, 10 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलती है, MU/FCK BD की वैल्यू 0.07। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। जैसे आप यहाँ काउंट करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, आप खुद भी ये चार्ट देख सकते हैं। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमने SP16 में चार्ट नंबर जो 44 है उससे हमने देखा MU/FCK BD² की वैल्यू कितनी मिली हमें, 0.07, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या था, MU/X1 और MU/Y1 ये हमारी मोमेंट की कैपेसिटी थी, मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है। तो देखिए हम इसी फॉर्मूले में सिर्फ क्या करेंगे, इसको इक्वलेट करके यहाँ से हम काई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, MU/X और MU/Y1 की वैल्यू, MU/X1 और MU/Y1 की वैल्यू, ठीक है। तो दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई करा, वैल्यू पुट करी, तो ये हमारे दोनों ही, क्योंकि हमारा कॉलम कैसा है, एक स्क्वायर कॉलम है, इसलिए दोनों डायरेक्शन में हमें क्या मिली है, वैल्यू सेम मिली है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोनों ही डायरेक्शन में सेम मिली है, यहाँ पर क्योंकि कॉलम कैसा था, हमारा स्क्वायर था, तो
तो वो वैल्यू क्या आ रही है, 89.60 किलो न्यूटन मीटर। अब ये जो नेक्स्ट जो हम फाइंड आउट करेंगे वो उसके लिए हम यूज़ करेंगे चार्ट नंबर 63, जहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, पी यू जेड की। किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, पी यू जेड की, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें उसके लिए पी यू जेड फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो पी यू जेड फाइंड आउट करने के लिए हमने परसेंटेज ऑफ स्टील कितना लिया है, ठीक है, 1.2%, और एफ वाई हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 415, एफ सी के कितना है, 20, ठीक है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं पी यू अपॉन पी यू जेड अपॉन ए जी की वैल्यू, ठीक है। तो पी यू जेड अपॉन ए जी की वैल्यू कितनी आई है, 12.5, ठीक है। अब ये कैसे वैल्यू आई है, उसके लिए इधर आते हैं वापस प्रीवियस वाला पॉइंट में, ठीक है। तो फर्स्ट हमने परसेंटेज कितना लिया है, रेनफोर्समेंट परसेंटेज हमने कितना लिया है, 1.2, तो हमने इस 1.2 पर लिया, ठीक है। अब हम इनमें से जो हमें 3 मिल रहे हैं ग्रेड, कौन कौन से, 250, 415 और 500, तो फर्स्ट हम 1.2 के लिए देखते हैं, किसके लिए, 1.2 के लिए देखते हैं, किस पर, इस पर 415 पर, ठीक है। अब यहाँ से हम बॉटम में आएंगे किस ग्रेड पर, M20 पर, क्योंकि हम एफ सी के कौन सा यूज़ कर रहे हैं, M20 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो हम यहाँ 20 पर आते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं किसकी, पी यू अपॉन ए जी की। तो यहाँ से पी यू अपॉन ए जी देखेंगे अगर आप, तो देखिए यहाँ पर कितनी है, 10 है और यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर एक डिजिट कितना बढ़ रहा है, एक 1-1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 10, 11, 12, ठीक है, क्लियर है ये चीज़, ठीक। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई है पी यू जेड अपॉन ए जी की वैल्यू, वो कितनी मिली हमें, 12.5, क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ से ए जी का अगर हम ग्रॉस एरिया का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पी यू जेड, तो हमने पी यू जेड निकाला मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस एरिया, ये वैल्यू कितनी होगी, 2000 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमें ये तीन रेशो फाइंड आउट करना है, कौन कौन से, पी यू अपॉन पी यू जेड, ठीक है, ये देख रहे हैं आप 0.9, एम यू अपॉन एम यू एक्स वन और एम यू वाई अपॉन एम यू वाई वन, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर हमें पुट करना है। तो देखिए ये वैल्यू 0.9, 0.73 और 0.50, ठीक है। तो देखिए अब इनमें से हम किसको सिलेक्ट करेंगे वो ध्यान रखिएगा, इसका नेक्स्ट जो हमें चार्ट फॉलो करना है वो चार्ट है कौन सा, चार्ट नंबर 64, ठीक है। तो चार्ट नंबर 64 में आपको एम यू एक्स और अपॉन एम यू एक्स वन भी मिलेगा और एम यू वाई अपॉन एम यू वाई वन भी मिलेगा, लेकिन हम इनमें से मोमेंट रेशियो वो सिलेक्ट करेंगे जो हमें रेशियो कम वाला मिलेगा। फॉर एग्जांपल एम यू एक्स अपॉन एम यू एक्स वन की वैल्यू कितनी आ रही, 0.73, यहाँ कितनी आ रही, 0.5, तो हम ये रेशियो सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर पी यू अपॉन पी यू जेड की वैल्यू 0.9, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम चार्ट से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहली चीज़ हमें एम यू अपॉन एम यू वाई वन की वैल्यू, वो कितनी आई थी हमारी, 0.50, तो देखिए हमने 0.50 इस पॉइंट पर लिया, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, पी यू अपॉन पी यू जेड की वैल्यू, तो हमने पी यू अपॉन पी यू जेड की वैल्यू देखिए कितनी आई है हमारी, 0.9, और यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8, तो यहाँ लिखा हुआ है 0.8 और ग्रेटर देन 0.8 के लिए हमें कौन सा कर्व सेलेक्ट करना है, ये कर्व सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारी रेंज क्या थी, 0.9, तो हम ये कर्व सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम इस पॉइंट से वैल्यू लेते हुए यहाँ तक आए, ठीक है, फिर इसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ फाइंड आउट करा, तो ये अराउंड हमारी वैल्यू जो है, देखिए एक डिजिट में कितना डिफरेंस हो रहा है, 0.8, 0.85 और 0.9, ठीक है, क्लियर है ये चीज़, ठीक। तो ये आप ये समझ सकते हैं, तो 85 होगा यहाँ पर अराउंड, इस जगह कितना होगा 85, यहाँ 86, 87 अराउंड होगा वैल्यू, तो हम वो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने पी यू अपॉन पी यू जेड की वैल्यू कितनी ली हमने चार्ट नंबर 64 से, 0.9 के लिए, और एम यू अपॉन एम यू वन 0.5 के लिए हमें यहाँ से मिली एम यू एक्स अपॉन एम यू एक्स वन परमिसिबल वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू, परमिसिबल, वो कितनी आई है, 0.86, और हमारा कितना आ रहा था, जैसे आप यहाँ देखेंगे कितना आ रहा है हमारा वैल्यू, 0.73, और हमें वहाँ से परमिसिबल वैल्यू कितनी मिली है,
0.86, क्लियर है ये चीज़। अब 0.86 जो है वो ग्रेटर देन है 0.73, इट मीन्स कि ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है।